있어 채. 내 커버리 안 됐어. सुप्रभात दोस्तों, मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। अभी मैं पानी भर रही हूँ। एक्वागार ख़राब हो गया है ना, इसीलिए मुझे ये सप्लाई पानी जो गवर्नमेंट के तरफ से सुविधा दी गई है वही पानी मैं अभी भर रही हूँ। और आसमान का नज़ारा तो आप सबने देखा, बहुत ही हसीन था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और थोड़ा वक्त के बाद तो एक्वागार सजाने के लिए भी आ गए थे। अभी जब मशीन खोले ना तो अंदर इतना सारा मशीन देखकर मैं तो हैरान हो गई और भगवान के बारे में सोचने लगी कि इंसान को कितना अक्ल दिया है ना भगवान ने, कि किस तरह से कितने सारे मशीन बना रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, यहाँ तक के हेलीकॉप्टर भी। तो मुझे लगता है कि जब भगवान अक्ल बांट रहे थे तब मैं ही नहीं गई उनके पास, शायद मुझे भी थोड़ा सा अक्ल दे देते। अभी जहाँ पे पानी स्टोर होता है ना उसे नींबू से घिस रहे हैं अच्छे से। इसे कोई भी मतलब लिक्विड डिटर्जेंट से नहीं साफ करते हैं, एसेंस रह जाता है उसका, इसीलिए नींबू से साफ करते हैं, क्योंकि नींबू सेहतमंद भी होता है और उसका एसेंस भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अभी साफ करने के बाद इसे फिटिंग कर देंगे पूरी तरह से और उसके बाद मैं इस्तेमाल भी कर पाऊँगी। तो साफ़ करने के बाद जितना पानी था उस पानी को अभी फेंक रहे हैं। और फिर लग गया हमारा एक्वागार्ड, नया मशीन लगा था इसलिए पहला पानी मुझे फेंकना पड़ा और मैंने ऐसे ही स्टोर कर लिया साग सब्जी धोने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपका दिन भी मंगलमय हो और आज का वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। हेलो एवरीवन, जय माँ माणिकेश्वरी। सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में और वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे और मेरे बच्चे का पूरा दिनचर्या शेयर करूँगी, हम लोग कैसे क्या करते हैं, दोनों माँ बेटे घर में हमारा पूरा समय कैसे बीतता है, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपको आज दिन भर पूरा ये वो इसका देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए आप सब भी। लोग मूंगफली खाते हैं, ये देखिए क्या खा रहा है, ये मूंगफली का छिलका खा रहा है। तो आज आपको हम दोनों माँ बेटे की ब्लॉग में हम स्वागत करते हैं और इसका मामा, नाना, दादा, या यू सब कुछ आज आपको सुनने को मिलेगा। तो आप सभी लोग बने रहिए वीडियो में। मेरा खाना बनाना तो लगभग हो गया है पूरा, दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये पानी भात बनाया है आज और ये आलू चावली और गोभी को मैंने फ्राई किया है और अभी बनाऊंगी मैं सलाद बनाना है तो उसे खीरा, ये गाजर, टमाटर, प्याज ले लिया है, ये नींबू आधा था इसे भी निचोड़ दूंगी, दही तो है नहीं अभी, और ये मिर्ची, साथ में थोड़ा सा काला नमक भी मिलाना है, ब्लैक सॉल्ट, और ये सादा सादा नमक भी। तो अभी बस यही बनाना है। तो अभी बाबू नहाएगा, उसके बाद उसको खिलाऊंगी और फिर हम खाएंगे, हम खाएंगे। हैं हेलो एवरीवन, कर हेलो एवरीवन। मारुति सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाता है ना, इसलिए नहाने से पहले थोड़ी देर सो जाता है, तो अभी भी थोड़ा सोया है इसलिए मैं फटाफट आ गई ये सलाद बनाने के लिए। और मैंने बताया था आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का पीछे का जो कारण है ना, मेरा अकेलापन, तो उससे निजात पाने के लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। जैसे कि मैं कोई काम कर रही होती हूँ फिर किचन में होती हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं इधर उधर के, उस सबसे निजात पाने के लिए ही मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए यूट्यूब चैनल खोल दिया था। और जैसे अभी मैं काम करते करते सोच रही थी, इंसान कितना खुदगर्ज होता है ना, कितना,
जिसे वो पसंद करता है उससे कभी दुख देना नहीं चाहता है, उससे कभी रोने नहीं देना चाहता है। रोना क्या, रोने की कोई वजह, दुख की कोई वजह ही नहीं देता है जिसे वो प्यार करता है और जिससे वो नफरत करता है। जिससे उसकी नहीं बनती है ना, उससे वो रोने की वजह देता है, दुख की वजह देता है। वो कैसे रोएगा, कैसे उसकी आत्मा को दुख पहुँचेगी, तकलीफ पहुँचेगी, बस वही सोचता रहता है ना। तो कितना खुदगर्ज होता है इंसान। उसको पसंद नहीं है इसका मतलब उसको तकलीफ देना होता है क्या? ऐसे ही तो ऐसे ये सब मैं सोच रही थी और फिर हंसने लगी। अरे इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए तो मैंने ये सब शुरू कर दिया। और फिर वही बात सोचने लगी हूँ बोलकर मैं थोड़ा सा माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करने लगी। और देखिए मैंने गोल गोल करके सब कुछ काटा है, ये प्याज है ना इसको भी गोल गोल करके काटा, तो कितना अच्छा लग रहा था। जो रेस्टोरेंट वगैरह में देते हैं ना ऐसे गोल गोल करके एकदम शेप में पूरा राउंड होकर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारा का सारा प्याज सब कुछ मैंने इस तरह से ही काटा। और हरी मिर्च को भी मैंने तुरंत ही काट दिया था, लेकिन जो नींबू और नमक को मैं जब खाऊंगी उसी टाइम पिलाऊंगी, क्योंकि ना पानी छोड़ता है, नमक डाल देने से पानी छोड़ देता है। सो गया था मारुति वीडियो बनाते वक्त, लेकिन अभी बैकग्राउंड मतलब वॉइस ओवर देते वक्त वो यूं कर रहा है। तो मारुति अभी नहा के आ गया है और उसको मैं काला टीका लगा दूंगी अभी। और उससे पहले काला टीका बाद में लगाते हैं, पहले इसका नाखून कितना बढ़ गया है देखिए, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है नाखून। तो उसका अभी नाखून काटने वाली हूँ मैं। काटूँ तो बैठ गया है वो चुपचाप, अभी उसका नाखून काट रही हूँ देखिए। टुचुक 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 टुचुक। अभी तो मान नहीं रहा है, उसका पैर का काटती हूँ। पैर को छूने भी नहीं दे रहा है, गुदगुदी हो रही है शायद, नहीं मान रहा है। काजल ही लगा देती हूँ इसको, मत हिलना बाबा। रुको 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 दे दे वाली कॉट लगा दे। हाँ तो चुक पाउडर थोड़ा लगा देती हूँ। अल्लाह पाउडर अच्छे से नहीं लगाऊंगी तो उस काला टीका को इधर उधर करके पूरा मिटा देता है, ज़्यादातर मेरे मुंह में ही घिस कर मिटा देता है। तो उसका काला टीका उसके चेहरे पे नहीं, मेरे गाल पे ज़्यादा रहता है। बस ये थोड़ी देर के लिए ही अभी इधर उधर कर देगा। देखो 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 वो बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू अटिक 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 बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू। देखिए कैसे खा रहा है स्माइल अभी। बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू। पानी भात खिलाया मैंने आज उसको, और जब से बुखार हुआ है ना तब थोड़ा थोड़ा पानी भात ही खा रहा है, थोड़ा सा नमक मिलाकर। तो बाल बड़ू बाल बड़ू अटिक 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 खा चुका है, अभी बस पानी पी रहा है उसका। बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू बाल बड़ू अटिके 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 ठीक है ना, पेट भर गया है अभी उसका। और फिर अब मेरा खाना खाने की बारी है। ये मेरा पानी भात और ये सब्जी, और यहाँ पे है मेरा सलाद। तो
अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। आप सभी लोग बने रहिए वीडियो में। अभी मैं तेल लगा रही हूँ खाना खाने के बाद। मुझे तेल लगाना बहुत पसंद है जब कोई और लगा दे तो ऐसे ही छोटा सा एक मज़ेदार किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बार मैं ट्यूशन पढ़ रही थी घर पे ही और मुझे बाथरूम जाना था, फिर मैं चली आई बाथरूम और देखी कि मेरी बड़ी माँ तेल लगा रहे हैं। मैं भी उनके पास बैठ गई और मुझे ज़रा तेल लगा दीजिए बोली। उस वक्त ना सर पे थोड़े बहुत जुए भी थे तो वो तेल लगाने के साथ साथ थोड़ा सा मसाज कर दिए और जुए भी निकालने लगे। इतना अच्छा लगा, पूरा नींद आ गया, मैं सो गई वहाँ पर। मैं भूल गई कि मुझे ट्यूशन भी जाना है, ट्यूशन पढ़ रही थी। फिर हमारे टीचर जो आए वो मुझे ढूंढते ढूंढते और वहाँ से उठाकर ले गए। तो जब भी तेल लगाती हूँ वही वाला किस्सा मुझे बहुत याद आता है। और मेरा बच्चा भी आ गया था तो उसके सर पे भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया। और फिर आ गई खाना बनाने के लिए, शाम का खाना। और थोड़ा सा जब वक्त मिलता है ना तभी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, नहीं तो बाद में ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और फिर मेरा बच्चा मुझे ढूंढते ढूंढते आ गया मेरे पास। आ गया यहाँ पे, देखिए मारुति आ गया और अभी मेरा टांग पकड़ा है बाबू। मैंने बोल तो दिया आप लोगों को कि मैं पूरा दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोलकर, लेकिन 12 घंटे का दिनचर्या 10-12 मिनट के वीडियो में शेयर करना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी मैं शाम के लिए भी खाना बना रही थी। पंख वाले कीड़े आते हैं ना, थोड़ी देर में आने लगेंगे तो फिर लाइट बुझाना पड़ता है, तब खाना नहीं बना पाती हूँ इसीलिए। और फिर आ गया ये जनाब, देखिए अभी यहाँ ऊपर चढ़ा है। किचन में जब रहती हूँ तो ये ऐसा ही करता है, मतलब मेरे पीछे लगा रहता है, पूरी तरह से मेरे पीछे लगा रहता है। तो अभी आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पे ही क्विट कर रही हूँ और शाम का रूटीन किसी और दिन किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। ऐसे ही हमारा दिन बीतता है दोनों माँ बेटे का। अभी इसको सुलाऊंगी, खाना भी खिला दिया है इसको और स्विच खेल रहा है। बाय बाय बाबू, बाय कर दे, बाय कर दे बाबू, बाय कर, बाय कर, बाय बाय कर दे।